तो स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से नया वीडियो लेकर के आ गए हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाला जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। और आप लोग अगर इसे मिस कीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा। आप इससे पहले आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस करें, इससे अच्छा है कि आप पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए जाकर के वन बाई वन क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं क्या है और इसका आंसर क्या होगा, विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, यानी जो हम्पी थी किसकी राजधानी थी, तो यह विजयनगर की राजधानी थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1336 ईस्वी में। और इसका स्थापना करने वाले कौन दो भाई थे, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने अपनी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, यानी हम्पी कहाँ है तो कर्नाटक में है, इसे कहा जाए इसे इस साम्राज्य का खंडहर यानी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राज्य भाषा जो है हम्पी की राज्य भाषा है तेलुगु। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दो है हमारा, कह रहा है बिहार के उत्तर में स्थित है, यानी बिहार के उत्तर में क्या स्थित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पूछेगा दक्षिण में कौन है, तो झारखंड में है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये बिहार की चौहद्दी हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, तो तीन नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है 53वां जो अनुच्छेद है और 153 आर्टिकल, वह राज्य के राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है, इसीलिए इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगला क्वेश्चन है, राम गुंडज ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो रामगुंडन ऊर्जा संयंत्र है किसके लिए किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा से, यानी तापीय ऊर्जा से ये संबंधित है। रामगुंडन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना के पेंडापल्ली जिले में स्थित है और यह कम से कम मतलब 2600 मेगावाट तापीय ऊर्जा पैदा करता है। इसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है, पांच नहीं बहती है, यानी किस राज्य से होकर के नहीं बहती है, तो पांच नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा यह उड़ीसा में नहीं बहती है, यानी नर्मदा नदी जो है यह उड़ीसा में नहीं बहती है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर यह अपना क्षेत्र लेकर के बहती है, 1312 किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है, यानी इतना दूरी इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, छः नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप प्रवाल निर्माण करती है, यानी प्रवाल निर्माण करने वाली कौन सी द्वीप है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि यह कितने क्षेत्रफल में है, तो 32 किलोमीटर आप लोग बताइएगा, और इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है, सात नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह उड़ीसा, और बाकी किसके साथ गुजरती है, तो आप लोग को भी ये जानना चाहिए ये राज्य कौन से है, तो गुजरात है, जी फोर गुजरात, आर फोर राजस्थान, एम फोर MP यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ CH CHH छत्तीसगढ़, झारखंड JH, उसके बाद से पश्चिम बंगाल PB, और उसी प्रकार से त्रिपुरा T, और लास्ट हमारा हो जाता है मिजोरम, यानी इतने राज्यों से होकर के यह जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से वह नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है, तो ये है आपका गंडक परियोजना, यानी गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से दोनों में साथ सहभागिता के साथ यह परियोजना
चलती है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, कोसी जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं होती हैं, परियोजना है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, पंचायत राज संस्थान में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत, यानी जिला पंचायत के नाम से मध्यवर्ती सीमा को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष किया गया था? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत BJP की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया गया था, यानी किस देश ने स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया था? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पुतनिक फर्स्ट को, USSR उस समय इसका नाम था। अब कब लॉन्च किया गया था, तो 1957 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है थार मरुस्थल, यानी थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, यानी थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इसकी मरुस्थलीय दक्षिण भारत में लूनी नदी में बहती है, और लूनी नदी जो है एक ऐसी नदी है जो जिसका समापन एक झील में ही मतलब वह कहीं गिरती उड़ती नहीं, ऐसी खुली भूमि में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब जाएगा। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 14 नंबर का सही जवाब जाएगा, यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है, यानी कौन सी जो है कौन सा राजस्थान का राज्य राजकीय पक्षी है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा, यह जो है सोन चिड़ैया, यानी सोन चिड़िया के नाम से जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन वर्ड, ये ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान की राजकीय पक्षी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह 52वां संविधान संशोधन में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? तो ये 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये बिहार है, ना प्यारा बिहार, इसकी स्थिति इतनी खराब है, देख लीजिए। एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस रॉबर्ट माल्थसन को, यह सिद्धांत उन्हीं का है, उन्हीं को यह जाता है। निम्नलिखित विशेष दिन का पर लोकसभा में अधिकतम कितने तरांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 20। नेक्स्ट प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है, यानी डोलोमाइट किससे प्राप्त किया जाता है या किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आम तौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी का क्वाड्रिक्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह दिसंबर से जनवरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद की में प्रतिनिधित्व होती है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पुडुचेरी है। अगला है, कोलार गोल्ड फील्ड यानी कोलार नामक जो सोने का भंडार है किस राज्य में अवस्थित है? यही क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कोलार जो है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। व्यापार संतुलन पद का संदर्भ है, यानी व्यापार संतुलन किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका, यह आयातों और निर्यातों में अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अग्रणी वैक्सीन निर्माण कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कॉरपोरेट घराने से संबंधित है? 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये जो है साइरस पूना वाला समूह से संबंधित है। अगला है, श्री विल्लूर पुथूर
हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य यानी चूफाट से संबंधित है? यानी चूफाट नामक जो लोक नृत्य है सिक्किम के किस जनजाति द्वारा यह किया जाता है? तो यह है लेप्चा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है निम्नलिखित जो एक ही प्रकार के लंबे चौड़े से क्षेत्र में उगाई जाती है, उसको किस प्रकार की श्रेणी कृषि कहा जाता है? तो रोपण कृषि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह महेंद्रगिरी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? यानी जो गोल का क्षेत्र होता है वो कितनी ऊंचाई पर होती है? तो एक क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 8 फुट का ऊंचाई पर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये जेम्स मिल जो थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाली पहला समाचार पत्र कौन सा है? 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ये बंगाल गजट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1875, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शासन काल में का भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान आया था? सबसे भयानक अकाल कब आया था? तो यह आया था 1876 से 1878 के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निर्वाचन नामावलंबी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह मतदाता सूची कहा जाता है। अगला है, साइमन कमीशन भारत आया था, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह आया था 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? यानी 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह था मार्लो मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के तहत उन्हें एक अलग देश पृथक करने का निर्वाचन अधिकार दिया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? यानी पंडिता के नाम से कौन जानी जाती है? तो ये थी रमाबाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा, यह बंगाल से शुरुआत हुआ था तिनकठिया पद्धति के तहत। चलिए अगला प्रश्न, मतलब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? तो यह था 1858 ईस्वी में, उस समय कहा गया था कि महारानी जो होगी पूरे भारत की वही महारानी होंगी, शासिका होंगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एक साधन नहीं है? मौद्रिक नीति का एक साधन कौन सा नहीं है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वस्तु और सेवा कर, यानी जो है GST या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति नहीं है, और बाकी सब जो नीतियाँ हैं उसी की है। अगला प्रश्न है, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, यानी 1904 में अभिनव भारत का स्थापना किया गया था, तो क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन थी, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? यानी जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था वह कितने वर्ष के लिए किया गया था? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 5 वर्षों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह स्ट्रैची आयोग थी, यह स्ट्रैची आयोग के तहत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
प्रश्न संख्या है मूल नायक समाचार पत्र से संबंधित है, यानी मूल नायक समाचार पत्र किसने चालू किया था, तो ये थे भीमराव अंबेडकर, यानी हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा, यानी इनमें से कौन जो थे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो वैलेंटिना सिरोल थे। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गांधी जी के गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे हमारे श्री गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उनके राजनीतिक गुरु। अगला है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह संबंध जो है एनिमेशन था, अब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनमें से 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेवार है, यानी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेवार होती हैं, यह किसके तहत पता चलता है कि ज्वार भाटे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का ये सही जवाब देगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इक्यावन कह रहा है एल लंबाई की तली वाली तनी हुई डोरी से उत्पन्न अप्रगामी तरंगे धैर्य होती हैं, तो कितनी होंगी। 51 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ये होगा 12/n। अगला प्रश्न है का मैथ्स का है, इसका देख लीजिए आप लोग, एक सप्ताह में चाय के एक बैगान के वजन इतना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर शेयर करिए। जल तरंगे होती हैं, यानी जो जल की तरंगे होती है किस प्रकार की होती हैं, तो यह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब देगा। पुष्प एक रूपांतरण है, जो फूल होता है किसका रूपांतरण होता है। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब था, ये होता है पररोह का रूपांतरण। सी नंबर सही जवाब। अगला है पृथ्वी की परिधि का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, यह इनफाइनाइट होगा यानी अनंत होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है मैथ्स का संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, आंसर कमेंट में करिए। ये जो है इसमें कथन निष्कर्ष वाला है, इसको हम लोग के साथ करते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। 57 नंबर प्रश्न में कौन से कथन सत्य है इसको देखना है हमें। कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, यानी जो प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं उससे क्या इफेक्ट होता है, यानी इसमें जो होते हैं 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जबकि पीएच मान 7 से कम होता है। बात सही है, ये सही है। और अगला कह रहा है जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड जिसे जल का लवण कहते हैं कि जलीय विलयन से होकर गुजरता है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये बात गलत है, यानी एक नंबर सही है और बाकी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये मैथ्स का है, मैथ्स को स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसको बना करके आंसर कमेंट में करिए। एक क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें एक प्रश्न है लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, यानी लेजर कैसी युक्ति है और उससे क्या उत्पन्न होता है, तो उससे होता है संयुक्त प्रकाश की किरण पुंजें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि KMnO4 में Mg का ऑक्सीकरण क्या है, यानी Mg का ऑक्सीकरण क्या होता है। 61 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, ये +7 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 नंबर कह रहा है कि इथाइन के जल योजन से मिलता है, यानी इथाइन के जल योजन से क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, में एथेनॉल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है 22.4 लीटर में हाइड्रोजन का वजन कितना होगा, यानी 22.4 लीटर कोई गैस है तो उसमें हाइड्रोजन का कितना मात्रा होगा, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक में
ज्यामितीय समायवता होता है। 64 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये 2-butene होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक फेमटोमीटर तुल्य होता है, यानी एक फेमटोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 65 का सही हो जाएगा 10^-15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। अगला मैथ्स का है, इसको आप आंसर कमेंट में जरूर करिए। अगला है इकोसिस्टम शब्द दिया था, यानी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो यह टेंसले ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोशिका का दिमाग है, यानी कोशिका का क्या दिमाग है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है मैथ्स का है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए। अगला प्रश्न तब तक हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, यानी न्यूमेटिक हड्डी जो है किसका अभिलक्षण है, तो ये पक्षियों के हड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है, यानी सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, तो इसका सही 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्कियोपटेरिक्स, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला है भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है, बायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है, 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा SR Kashyap जी, बायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। अगला है कपूर का शोधन किया था, यानी कपूर का शोधन कैसे किया जाता है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये होता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के तहत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस तत्व में न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, किस तत्व में जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो हो जाता है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पन्न में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह बैकेलाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। फिर देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग इस सभी का आंसर कमेंट में जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा आप लोग के लिए, होता है कि ये लिमिटेशन होता है, लेकिन मैथ्स जो है इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप एक थ्योरी पकड़िए उससे सब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो जीके जीएस का होता है कोई थ्योरी नहीं होता, आप जितना याद करिएगा उतना बेहतर बेनिफिट्स होगा, इसीलिए आप लोग जीके जीएस पे भी फोकस कीजिए। मैथ्स का एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन देख लीजिए और उसी टाइप से क्वेश्चन पढ़िए, जितने भी इसमें क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। देख लीजिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए, जितने भी रीजनिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग इसमें के हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी। इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है रेडियन का संबंध कोण से है, उसी प्रकार एम्पियर का संबंध किससे है, तो एम्पियर मापता है विद्युत धारा, यानी 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कार्य का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, वोल्टेज का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, इसी प्रकार से सभी का स्क्रीन शॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजनिंग है, आप लोग इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट का सवाल है। इसमें देखिए दर्पण से संबंधित प्रश्न है, कुछ सीरीज से संबंधित है, इसको भी ध्यान में ले लीजिएगा। और बाकी सब यहाँ देखिए मिरर इमेज है, रिलेशनशिप है, ये सभी क्वेश्चन आपको बना करके चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। देखिए कथन निष्कर्ष जो है इसका भी सही आंसर करके आप लोग चलिएगा। इसमें कह रहा है जिस प्रकार थका स्वांत से संबंधित है उसी प्रकार दुखी डैश डैश से संबंधित है, 127 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उदास से, जो दुखी होता है उदास हो जाता है। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, आप लोग इसको देखिए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज हमारा ये कथन निष्कर्ष है, उसका रीजनिंग है सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का, देखिए आप लोग ये जो भी है इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कथन निष्कर्ष वाला है और इसके बाद से ये आरेख वाला है, इसमें बताना है कौन किससे संबंधित है। ये जो रीजनिंग का सवाल है सभी का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा।
देखिए कितना लंबा सा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसका सोल्यूशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति को कटी हुई कट पेपर कटिंग से संबंधित इस आकृति में से कौन इसमें फिट होगा, उसको सर्च कीजिए और उसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है लिखना, यानी स्याही का काम होता है लिखना, तो दवा क्या करेगा, यानी 146 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपचार करेगा। दवा क्या करेगा, उपचार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित ब्लड रिलेशन, आप उसका आंसर कमेंट में करिए, ये भी है। उसके बाद से डिजिट वर्ड से संबंधित 149 नंबर प्रश्न भी वही क्वेश्चन है। उसके बाद 150 नंबर जो है कोडिंग डिकोडिंग से है, यानी 150 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर कमेंट में करना है। इसमें सबसे पहले देख लीजिए आप लोग क्या, तो ये जो टी है 20 संबंधित है, आर जो है 18 संबंधित है, ए जो है 1 से संबंधित है, एन जो है 14 से संबंधित है। ये सभी रीजनिंग बिल्कुल आसान है, लेकिन आप चाहिए तो बना सकते हैं। उसी प्रकार से ए जो है 9 से संबंधित है, 9 से स्टार्ट है और 14 है, देख लीजिए एक ही बार में आप इसको जांच सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, आज फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितने भी कंटेंट्स थे आपको पसंद आए होंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले वाला जितना भी सेट, मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर कराया गया है, आपको इसके लिए प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, जय हिंद।